रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बीजेपी पर आरा मशीनों के बंद करवाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया है। हमीरपुर में चुनावी प्रचार के दौरान धूमल ने कहा कि आरटीआई से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आरा मशीनें किसने बंद करवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर आरा मशीनें खुलवाई थी, लेकिन कांग्रेसी नेता फिजूल में बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बीजेपी पर आरा मशीनों को बंद करवाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया है। हमीरपुर में चुनावी प्रचार के दौरान धूमल ने कहा कि आरटीआई से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आरा मशीनें किसने बंद करवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर आरा मशीनें खुलवाई थी, लेकिन कांग्रेसी नेता फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है मीडिया से भी कि आरटीआई में अप्लाई करो, पता लग जाएगा किसने बंद करवाए थे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट से खुलवाए थे 363 आरे हमीरपुर जिले के। वहीं कांग्रेस नेताओं की रेल लाइन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर धूमल ने कहा कि कांग्रेस को याद दिलाना चाहते हैं कि जनवरी 1973 में अंब में नंगल तलवाड़ा रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद बीजेपी सरकार के समय में ही रेल लाइन का विस्तार हुआ है और अब सांसद उद्धव ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर तक रेल को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। धूमल ने कहा कि जब रेल हमीरपुर आएगी तो कांग्रेसी सीटियां सुनते रहेंगे और हम बैठकर चले जाएंगे। याद करवाऊंगा जनवरी 1973 में अंब में शिलान्यास हुआ था नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन का। 1991 में जब मैं सांसद था तो पहली बार नंगल से ऊना 10 किलोमीटर ट्रेन पहुंची थी। उसके बाद हमारे टाइम में ही अटल जी के बनने के बाद फिर काम शुरू हुआ आगे और अब हिमाचल में मरवाड़ी तक पहुंच रही है, चिंतपूर्णी के स्टेशन तक पहुँच गए दौलतपुर चौक और फिर उसके बाद पंजाब का काम शुरू होगा। इसी प्रकार से पनोपुड़ी बरमाणा मंडी कुल्लू मनाली कलोंग लेह रेलवे लाइन के लिए शोर कांग्रेस की सरकारें करती रही। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महत्व इसको दिया, डिफेंस की रेलवे लाइन बनाया और 83,360 करोड़ का बजट इसके लिए रखा है। उस पर लैंड एक्विजिशन पंजाब में हो गया, हिमाचल में शुरू हो गया, बिलासपुर में। तो रेलवे लाइन के लिए टाइम लगता है और किसी चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा नहीं था। ये तो अनुराग जी की हिम्मत है कि उन्होंने रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री से मिलकर इसको स्वीकार करवा लिया। सारे फाइनल सर्वे हो गया, स्टेशन तय हो गए, 6,000 करोड़ का बजट तय हो गया। अब सरकार बनेगी तो काम शुरू होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि 2-4 साल में बनने वाली नहीं होती रेलवे लाइन में, कई वर्ष लगते हैं, टाइम लगेगा। फिर सीटियाँ कांग्रेस वाले सीटियाँ सुनेंगे और हम रेलवे लाइन पे जो ट्रेन चलेगी उस पर ट्रेन पे बैठ के जाया करेंगे।